हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर। बताइए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर। एमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। तो देखिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज। बताइए वायरस के बारे में जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, होमोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर प्रोटोजोलॉजी। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF मैनी अदर अपडेट्स। ऑप्शन नंबर बी, द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। इन कार्डियोलॉजी व्हाट वी स्टडी अबाउट। बताइए माइकोलॉजी में जैसे हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी में हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, तो इन द सेम वे कार्डियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हर्ट, किडनी, लिवर या फिर बोन्स। तो देखिए कार्डियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हर्ट के बारे में। द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज। बताइए फंगी के स्टडी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेबिका, रोबस्टा एंड लेबेरिका आर द वैराइटीज ऑफ। बताइए अरेबिका, रोबस्टा एंड लेबेरिका जो है ये किसका वैराइटीज है, टी, कॉफी, कॉटन या फिर सुगर केन। देखिए अरेबिका, रोबस्टा एंड लेबेरिका जो है ये वैरायटी है भैया किसका, ऑप्शन नंबर बी कॉफी का। अगला क्वेश्चन है, पेसर डोमेस्टिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच बर्ड। बताइए पेसर डोमेस्टिकस जो है ये कौन से पक्षी का है साइंटिफिक नेम, पेसर डोमेस्टिकस, ये आपके ऑप्शन नंबर बी स्पैरो का। अगला क्वेश्चन है, मालूस पुमिला इज द बॉटानिकल नेम ऑफ विच ट्री। बताइए मालूस पुमिला जो है ये कौन से पेड़ का बॉटानिकल नेम है। तो देखिए मालूस पुलिमा जो है ये बॉटानिकल नेम है किसका, एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। बताइए पावोक्रिस्टेटस किसका साइंटिफिक नेम है। पावोक्रिस्टेटस पीकॉक, ठीक है, मोर का। अगला क्वेश्चन है, मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्रूट। बताइए मैंगीफेरा इंडिका जो है ये कौन से फल का साइंटिफिक नेम है, जिसको हम फलों का राजा कहते हैं, ये हमारा मैंगो का नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय। बताइए ब्लड ग्रुप जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, लैंडस्टीनर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। बताइए एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, एस्कॉर्बिक या फिर कार्बोनिक। एंट स्टिंग में आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन एसिड रेन, एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक, कार्बोक्साइलिक, एस्कॉर्बिक या फिर सल्फ्यूरिक। ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरस एसिड होता है, ठीक है, RO-US। अगला क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कौन सा सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। बताइए नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी या फिर सर्कुलेटिंग सिस्टम। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सर्कुलेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज सिंबल, केमिकल सिंबल Fe। बताइए निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट का सिंबल Fe है, किसका है Fe भैया, आयरन का। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। बताइए
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए फैराडे। द केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट इज डायनामाइट। मैन्युफैक्चरिंग में कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। बताइए एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर का यूज किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज? ऑप्शन नंबर डी फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरसेक इज द यूनिट ऑफ, पैरसेक किसका यूनिट है? टाइम, फोर्स, डिस्टेंस या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी? पैरसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, ओम मीटर बताइए किसकी यूनिट है? ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा रमाचल पे, आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।